राज से अरमान जी जो हैं वो 3 से 4 बार वापस कर चुके हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। क्या हुआ? पानी दूं थोड़ा सा? एक हाथ छोड़े, कहाँ ज्यादा दर्द है बताइए। डॉक्टर क्या हुआ इनको? देखते हैं, आई थिंक बाहर का खाया क्या इन्होंने। तो इतने दर्द में मैंने कभी इनको नहीं देखा। तुम्हें डॉक्टर ने अभी बोला है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो गाइज ये था मेरा जबरदस्त वाला रूम और ये सारा स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव। मुझे लगा ही नहीं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। और जो ये इंसान है ना मोटे वाला, ये बहुत हंसाता है। जब भी मुझे तकलीफ में था तो इसने बहुत साथ दिया और सारे स्टाफ घर जैसा है। तो बस जींदे वसदे रहो और तुम्हारी उम्र भी मुझे लग जाए। नहीं, एक एक साल तो दे ही सकते हो, इतने सारे लोग हो, एक एक साल दे दो। क्या हो गया? नहीं देना। तो भैया ये जो है ना, ये बंदा थोड़ा मास्क नीचे करो। तो ये स्टाफ है ना जो हॉस्पिटल का, सबसे स्मार्ट मुंडा है। तो गाइस होटल में होता चेकआउट, इतने हो जाता डिस्चार्ज। तो सबको बाय बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, बाय, मिलेंगे नहीं कभी भी दोबारा हॉस्पिटल। ठीक है। तो गाइस सारा स्टाफ बहुत ही मज़ेदार है। ये ओटी नर्स हैं और ये क्या संभालते हैं, ये फार्मेसी संभालते हैं। पाजी एक्सरे उक्सरे करते हैं, पाजी खून खान चेक करते हैं। मतलब मज़ा आ गया। मतलब 30-35 बंदों का स्टाफ है यहाँ पे और तकलीफ में भी दिल लग गया था। बाकी हॉस्पिटल में तो ये होता है फटाफट निकलो, आज चेकआउट है तो बस निकलते हैं घर की तरफ। पाल जा चुकी थी रात को, चीकू भी साथ चला गया था। तो ये चेस्टा मैम का बेबी है और ये यहाँ पे हॉस्पिटल में रिसेप्शन काउंटर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए इतने एक्टिव होते हैं। आप कौन सी क्लास में बेटा? आपका नाम क्या है? सैवी। तो अभी अभी जस्ट डॉक्टर से बात हुई है, चीकू के पापा को डिस्चार्ज मिल जाएगा आधे पौने घंटे में। तब तक में जो भी फॉर्मेलिटीज है, डिस्चार्ज की फाइल है, सारी की सारी चीजें मैं कर रही हूँ, बिल पे कर रही हूँ। उसके बाद जो इनकी दवाइयाँ हैं वो सारी लेकर, सामान सारा गाड़ी में रखवा कर फिर हम लोग निकलेंगे। तो गाइस अब निकलने का टाइम हो गया। जाते जाते एक ड्रिप और लगवा ली थी मैंने, और हमारी जो मैडम है कपड़े लेके आई है, पर मेरा मूड नहीं है पहनने का। मेरा दिल है मैं घर जाके नहा के पहनूं। पर मैं फिर भी ले आई आपके लिए कपड़े, आपने कहा था ना कल से टी शर्ट पहनी हुई है। चलो कोई नहीं, चलो इनके डिस्चार्ज पर। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। तो गाइस फाइनली घर की तरफ निकल चुके हैं, बस पहुंचते हैं घर और संभालते हैं घर को।